नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू की काकलाखो में करीब 400 फीट गहरी खाई में एक 40 वर्षीय युवक गिर गया है। युवक नालछा के पास ग्राम आवलिया का बताया जा रहा है। पर्यटकों की जानकारी के बाद मांडू थाना प्रभारी अभय नेमा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। गहरी खाई में गिरे हुए युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है। इधर जानकारी लगने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पर्यटकों ने ही स्थानीय ग्रामीणों को खाई में किसी के गिरने की सूचना दी थी। ग्राम पंचायत के सरपंच श्याम बुरिया को इस बात की जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई। मांडू पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों की मदद से गहरी खाई में उतरकर देखा तो युवक गहरी खाई में पड़ा हुआ मिला। युवक की पहचान नालछा के पास ग्राम आवलिया के निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक 40 वर्ष का है। थाना प्रभारी नीमा ने बताया कि जिस जगह से युवक गिरा है वहां आमतौर पर पर्यटक नहीं जाते हैं। पर्यटक खाई में गिरा है, युवक कूदा है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। परिवार के लोग मौके पर पूछे। वही आपको बता दें कि बारिश बार बार होने पर एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है। एसडीआरएफ की टीम जो है युवक को खाई में बाहर लगाने के लिए रेस्क्यू उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि बारिश के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए खबर एसके पी लाइव न्यूज पर। जो ये लड़का काकड़ा खो पे कूदा है तो क्या है पूरा मामला? लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास कुछ पर्यटक आए थे, उन्होंने देखा कि व्यक्ति गिर गया है उनके खाई पे। तो उसकी सूचना पर तत्काल एसडीआरएफ को बुलाया गया है। एसडीआरएफ की पीछे गई हुई है रेस्क्यू करने के लिए, तलाश कर रही है खाई पे। सर ऊपर क्या होगी? जो मृतक है वो दद्दू सिंह है, निवासी नालछा थाना क्षेत्र का है, अमलिया गाँव का, लगभग उम्र 40 साल है। सर आपका क्या शुभ नाम? थाना प्रभारी अभय रमन थाना मांडू।